हाय गाइस, मेरा नाम नारायण बघेल है और मैं इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का। और आज के वीडियो में हम लोग जो है सर्वर 2016 विंडो सर्वर 2016 TP4 टेक्निकल प्रीव्यू 4 में जो चेंजेस आए हुए हैं, अगर हम सर्वर 2012 R2 की बात करें और अगर हम सर्वर 2016 को सर्वर 2012 के साथ कंपेयर करें तो देखेंगे कि इन दोनों में क्या चेंजेस हैं और इनके फीचर में क्या डिफरेंस है, क्या नया आया हुआ है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उनमें उन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो लेटेस्ट फीचर है उनके बारे में नॉलेज शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इनसे दोनों सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस है और सर्वर 2016 में क्या नया आया है वो सीखेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में इस 7-8 फीचर के बारे में देखेंगे क्या क्या है, ये किस तरीके से इनकी फंक्शनैलिटी है। पहला फीचर हमारा अगर फीचर हम देखेंगे नैनो सर्वर, नैनो सर्वर क्या है, फिर स्टोरेज रेप्लिका क्या है, स्टोरेज स्पेसेस डायरेक्ट क्या है, हाइपर वी रोलिंग अपग्रेड्स क्या है और इनमें क्या चेंज हुए हैं सर्वर 2012 से अगर हम कंपेयर करें, और अभी इनमें क्या कैपेबिलिटी है, कितने स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नैनो सर्वर से, नैनो सर्वर क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्या नई चीज़ें लेके आया हुआ है। तो हम देखें नैनो सर्वर, अगर हम पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, अ न्यू वे टू डिप्लॉय विंडोज सर्वर 64-bit विदाउट GUI। इसका मतलब है कि जो नैनो सर्वर है ये एक नैनो सर्वर है, सर्वर की एक नई मेथड है, एक तरीका है डिप्लॉय करने का। 64-bit सर्वर को हम डिप्लॉय कर सकते हैं विदाउट GUI। विदाउट GUI मतलब विदाउट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बिना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम नैनो सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक कोर सर्वर के जैसे हैं, जैसे कि कोर सर्वर का इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें हमें कमांड यूज़ करनी होती है, वैसे ही ये भी है। अगर हम चाहते हैं तो हमें पावर सेल यूज़ करना पड़ेगा, विंडोज पावर सेल। इसमें मैं कमांड्स बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एक सेपरेट वीडियो में, मेरे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए तो जस्ट थेरेटिकल बेसिक नॉलेज नैनो सर्वर क्या है, और हम इसमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं रहेगा। जैसे कि हम सपोज़ मुझे कुछ नया रोल इंस्टॉल करना है तो हम विंडोज़ सर्वर मैनेजर में चले जाते हैं और यहाँ पे जाके कुछ रोल इंस्टॉल कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं। बट इसमें क्या होगा, हमें कुछ भी करना है तो हमें ये यहाँ से कमांड रन करनी पड़ेगी विंडोज़ पावर सेल में, उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है, ये टोटली कमांड बेस्ड रहेगा और इसमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं रहेगा। और आगे देखते हैं हम इसमें क्या चेंजेस है और इसकी क्या खूबी है। इट डजंट हैव एनी डायरेक्ट यूज़र इंटरफेस बिसाइड द न्यू एमरजेंसी मैनेजमेंट कंसोल। इसमें कोई डायरेक्ट यूज़र इंटरफेस नहीं है, जैसे मैंने बोला GUI मोड नहीं है, डायरेक्ट ये कमांड बेस्ड रहेगा और एक कंसोल रहेगा इसका, इमरजेंसी मैनेजमेंट कंसोल। अगर और देखते हैं हम इसमें क्या है, अ नैनो इंस्टेंस इज़ मैनेज्ड रिमोटली। हम इसको रिमोट से भी मैनेज कर सकते हैं यूजिंग विंडोज़ पावर सेल और अदर टूल्स टू इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू रोल्स। अगर हमें कोई न्यू रोल ऐड करने हैं तो हम पावर सेल का इस्तेमाल करेंगे, विंडोज़ पावर सेल और कुछ टूल्स मैं बताऊंगा वो टूल्स क्या हैं। और देखें तो अगर कोई रोल और फीचर ऐड करना है तो इसके लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या खूबी है और ये किस तरीके से यूजफुल है। अ नैनो इंस्टेंस कंज्यूम्स नॉट मच मोर देन 512 MB ऑफ डिस्क स्पेस। अगर नॉर्मल हमारे पास हम एक नैनो इंस्टेंस और नैनो सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो सिर्फ ये हमारा 512 MB का डिस्क यूज़ करेगा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। और मेमोरी की बात करें तो एंड लेस देन
256 MB ऑफ मेमोरी। बट अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ हैवी कॉन्फ़िगरेशन है या हमने बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर की हैं, बहुत सारे रोल कॉन्फ़िगर किए हैं, उस केस में हमारा डिस्क का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा और रैम का यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा है। बट अगर सिंपल हमें एक नैनो इंस्टेंस इंस्टॉल करना है तो ये 512 MB स्पेस लेगा इसका हार्ड डिस्क का, और रैम 256 MB अगर हम सिंपल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो। और देखते हैं इसमें नई चीज़ क्या है। इमरजेंसी मैनेजमेंट कंसोल दैट अलाउ यू टू व्यू एंड फिक्स नेटवर्किंग इशूज डायरेक्टली फ्रॉम द नैनो सर्वर कंसोल। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ टेक्निकल नेटवर्क के कुछ इश्यूज हैं तो हम डायरेक्टली इस इमरजेंसी कंसोल जो मैनेजमेंट हम देखेंगे कैसा रहेगा, कैसे काम करता है, इसकी मदद से उन इशूज़ को, नेटवर्किंग इशूज़ को हम फिक्स कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द नैनो सर्वर कंसोल। तो ये कुछ चेंजेस हैं सर्वर में। एंड अब देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट फीचर है उसमें क्या चेंजेस हैं, उसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू सर्वर 2012। तो जो नेक्स्ट फीचर है सर्वर 2016 में वो है स्टोरेज रेप्लिका। स्टोरेज रेप्लिका सर्वर 2012 से कैसे अलग है हम देखते हैं यहाँ पे। अगर देखें सर्वर 2012 माइक्रोसॉफ्ट हैज़ सपोर्टेड रेप्लिकेशन इन द वर्ल्ड ऑफ हाइपर वी। ये पहले भी सपोर्ट करता था सर्वर 2012 में, बट इट हैज़ बीन लिमिटेड अप टू दिस पॉइंट टू सिंक्रोनाइज रेप्लिकेशन ऑफ वर्चुअल हार्ड डिस्क। ये एक लिमिटेड था, इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं थी, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, कर सकते थे इसमें। अगर हम इसमें सिर्फ हम एक असिंक्रोनाइज रेप्लिकेशन ही को ही रेप्लिकेट कर सकते थे वर्चुअल हार्ड डिस्क का। बट अगर हम यही देखें सर्वर 2016 में तो वी हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंटायर वॉल्यूम एट द ब्लॉक लेवल। अगर हम यही काम सर्वर 2016 में करना चाहें तो इसमें एबिलिटी है, और हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं कि हम सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज एप्लीकेशन दोनों में से कोई भी चूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमें सिंक्रोनाइज करना है तो हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे, और असिंक्रोनाइज करना है तो असिंक्रोनाइज। बट अगर यही चीज़ हम सर्वर 2012 में देखें तो ये लिमिटेड था अप टू असिंक्रोनाइज और एप्लीकेशन। यहाँ पे हम सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन को कॉन्फिगर नहीं कर पाते थे, बट सर्वर 2016 में ये पॉसिबल है। और इसी फीचर को ये स्टोरेज रेप्लिका कहते हैं। और अगर इसके बारे में हम बात करें, इसका जो मेन एम है और जो मेन फंक्शन है, ये हमें डिज़ास्टर रिकवरी के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर डिज़ास्टर होता है किसी तरीके का, और उसमें हमें चाहिए कि हॉट बैकअप हमें फिर से उसे लाइव लाने के लिए कॉन्फ़िगर करना है या फिर सेट करना है, तो हम इस स्टोरेज रेप्लिका की मदद से बहुत जल्दी कर लेंगे। बट ये फंक्शनैलिटी सर्वर 2012 में नहीं थी। और दूसरी चीज़ इसके बारे में हम देखें तो ये बोथ सर्वर टू सर्वर एंड क्लस्टर टू क्लस्टर रेप्लिकेशन को भी सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। हम देखेंगे दोनों नेक्स्ट वीडियो में कैसे सर्वर टू सर्वर और क्लस्टर टू क्लस्टर रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी तो जस्ट बेसिक व्हाट इज़ स्टोरेज रेप्लिका, और इसमें नई नई चीज़ क्या है एज़ कम्पेयर टू सर्वर 2012, और काफ़ी यूजफुल है। अगर हम देखें तो सर्वर 2012 में सिर्फ सिंक्रोनाइज रेप्लिकेशन ऑफ वर्चुअल हार्ड डिस्क था, बट यहाँ पे दोनों ही है, सिंक्रोनाइज भी है और असिंक्रोनाइज भी है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये सर्वर टू सर्वर है को और एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, और क्लस्टर टू क्लस्टर, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है उसको देखते हैं जो सर्वर 2016 में आया है। तो जो नेक्स्ट फीचर है 2016 में वो है स्टोरेज स्पेसेस डायरेक्ट। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों सर्वर 2012 और सर्वर 2016 में इसमें क्या अपग्रेड हुए हैं और क्या चेंजेस आए हैं। तो विंडोज सर्वर 2012 आर टू एडेड द एबिलिटी टू बिल्ड अ हाईली अवेलेबल स्टोरेज क्लस्टर बेस्ड ऑन ऑन द सेम स्टोरेज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोसॉफ्ट क्लस्टरिंग। अगर हम देखें तो जो सर्वर 2012 था इसमें एबिलिटी थी कि ये एक हाईली अवेलेबल स्टोरेज क्लस्टर को हम कॉन्फ़िगर कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज स्पेस टेक्नोलॉजी। बट अगर हम सेम फीचर की बात करें सर्वर 2016 में, तो इसमें भी हम इसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो
पिछले वर्जन और पिछली जो फंक्शनैलिटी रहती है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती है, उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। और फिर से देखेंगे हम कि विंडोज सर्वर 2016 विद द एबिलिटी टू बिल्ड अ हाईली अवेलेबल स्टोरेज सिस्टम यूजिंग ओनली डायरेक्टली अटैच डिस्क ऑन ईच नोड। अगर हम देखते हैं या हमें इस तरीके का हाईली अवेलेबल स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या करना होगा, हमें एक नोड में हमें डायरेक्ट हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ेगी और हम ये स्टोरेज स्पेसेस डायरेक्ट फीचर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि नोड्स यूजेस द नेटवर्क एंड द SMB3 प्रोटोकॉल फॉर दिस स्टोरेज स्पेसिस डायरेक्ट फीचर। और अगर हम बात करें कि ये जो कैसे काम करता है और ये क्या यूज़ करता है, तो इसके लिए नेटवर्क और SMB3 प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। और इसके बाद में ये कुछ यहाँ पे देखेंगे कि ऑल्सो टेक्स एडवांटेज ऑफ न्यू हार्डवेयर लाइक NVMe और SSD। तो ये इस तरीके के हार्डवेयर को भी सपोर्ट करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे स्टिल सपोर्टिंग ओल्डर साटा बेस्ड हार्डवेयर। अगर हमारे पास में कुछ साटा की हार्ड डिस्क है या साटा के हार्डवेयर रखे हुए हैं और हमें ज़रूरत है, अब वो हमारे पास रखे हुए हैं, एडिशनल रखे हैं और हम चाहते हैं कि वो हम उसको यूज़ करें, तो स्टिल जो स्टोरेज स्पेसेस डायरेक्ट का फीचर है सर्वर 2016 में अगर हम इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो जो साटा का हमारा हार्डवेयर है उसको भी सपोर्ट करेगा। तो मतलब काफ़ी यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू सर्वर 2012। इसका लाइव कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट फीचर है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट फीचर है हाइपर वी रोलिंग अपग्रेड्स। हाइपर वी रोलिंग अपग्रेड्स इसमें क्या चेंजेस है एज़ कम्पेयर टू सर्वर 2012 और ये इस किस तरीके से इस वर्जन में यूज़फुल है, क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। तो इन प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज सर्वर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अपग्रेड अ क्लस्टर विदाउट टेकिंग इट डाउन। अगर हमारे पास एक क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन है और अब हम इसे अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो विंडोज सर्वर 2012 में ये पॉसिबल नहीं था कि हम उसे ऑनलाइन, अगर हमारे दोनों सर्वर ऑनलाइन है और उसको मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, सपोज 2012 में मैं चाह रहा हूँ कि 2016 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये काफ़ी चैलेंजिंग था। अगर हमारे पास जो 24/7 का इन्वायरमेंट है सपोज, और हम हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम हमें क्लस्टर को क्या कहते हैं अपग्रेड करना है, तो ये एक चैलेंज था। और हम यही चीज़ अगर सर्वर 2016 में देखें तो ये सपोर्ट करता है, सेम चीज़ हम क्लस्टर को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपग्रेड फ्रॉम विंडोज सर्वर 2012 टू 2016 विदाउट टेकिंग, हमें इसमें क्या है हम सर्वर क्लस्टर को अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें हमें हमारे सिस्टम को हमारे जो सर्वर है उन्हें शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे सर्वर चल भी रहे हैं तो भी हम इन्हें अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें हमारा प्रोडक्शन भी चलते रहेगा, किसी तरीके का हमें डाउन टाइम नहीं मिलेगा और हमारा क्लस्टर भी अपग्रेड हो जाएगा। तो वो चीज़ देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसके बारे में, क्या चेंजेस हैं उसमें। तो जो नेक्स्ट फीचर है हमारा हाइपर वी हॉट एंड NIC एंड मेमोरी। हाइपर वी हॉट एड NICs एंड मेमोरी। तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस है सर्वर 2012 की तुलना में, हम 2016 में क्या चेंजेस आए हैं। अगर देखें कि प्रीवियस वर्जन्स ऑफ हाइपर वी डिड नॉट अलाउ यू टू एड अ नेटवर्क इंटरफेस और मोर मेमोरी टू अ वर्चुअल मशीन और वर्चुअल रनिंग मशीन। अगर हम बात करें कि जो प्रीवियस वर्जन थे हाइपर वी के, तो उसमें हम अगर हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन चल रही है और हमारी ज़रूरत है कि हम कोई नेटवर्क इंटरफेस उसमें ऐड करें या फिर हमें कुछ मेमोरी बढ़ानी है तो ये अलाउ हम ये फैसिलिटी उसमें नहीं थी। बट अगर अब हम देखें जो लेटेस्ट सर्वर वर्जन है उसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट अलाउज यू टू मेक सम क्रिटिकल मशीन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस विदाउट टेकिंग द वर्चुअल मशीन ऑफलाइन। बट अगर हम जो लेटेस्ट सर्वर 2016 यूज़ करते हैं और उसमें हमारा कोई हाइपर वी और वर्चुअलाइजेशन कॉन्फ़िगर है, अब हम उसमें नेटवर्क इंटरफेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हमें क्या होगा, हमारा जो है हमें वर्चुअल मशीन शटडाउन नहीं करना पड़ेगा और हमारी अगर वर्चुअल मशीन चल भी रही है तब भी हम रैम बढ़ा सकते हैं और
उसमें नेटवर्क इंटरफेस भी बढ़ा सकते हैं। तो यही चीज़ है, इसमें दो बहुत ही अच्छे फीचर आए हैं और ये अच्छी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा सिस्टम प्रोडक्शन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल मशीन हम मेमोरी बढ़ा सकते हैं और नेटवर्किंग इंटरफेस भी बढ़ा सकते हैं। अब वैसे ही देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फीचर है इसमें है वो नेटवर्किंग इन्हेंसमेंट। इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या चेंजेस हैं? तो एक नया सर्वर रोल इसमें ऐड हुआ है 2016 में, जिसे नेटवर्क कंट्रोलर कहते हैं। न्यू सर्वर रोल कॉल्ड नेटवर्क कंट्रोलर, विच प्रोवाइड्स अ सेंट्रल पॉइंट फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। हम देखेंगे इसमें क्या कहते हैं, जो नेटवर्किंग इन्हेंसमेंट्स और नेटवर्क कंट्रोलर रोल है, इसकी हेल्प से हम हमारा एक सेंट्रल पॉइंट पे हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर सकते हैं और नेटवर्किंग क्या क्या सर्विस है उनको मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसके बारे में अच्छी चीज़ ये है कि ये इसके में कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ आई हैं, जैसे कि नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड एन L4 लोड बैलेंसर। ये L4 Layer 4 लोड बैलेंसर को भी सपोर्ट करता है। दूसरा है इन्हेंस गेटवे फॉर कनेक्टिंग टू अजूर एंड अदर रिमोट साइट्स। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कैसे कैसे इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसके बारे में नई चीज़ ये है, एंड कन्वर्ज नेटवर्क फैब्रिक सपोर्टिंग बोथ। अगर हमारे पास कुछ फैब्रिक सपोर्टिंग और नेटवर्क है और उसमें हमारा RDMA और टेनेंट ट्रैफिक है, तो उन दोनों ट्रैफिक को भी ये सपोर्ट करता है। टेनेंट ट्रैफिक क्या है हम देखेंगे बाद में, और RDMA क्या है वो भी देखेंगे सेपरेटली। तो बहुत ही नया है ये, काफ़ी यूज़फुल है। हम सारी चीज़ें सीखेंगे लाइव, और अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है इसमें। जो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वो है अपग्रेडेड फीचर इन सर्वर 2016, वो है स्टोरेज QoS अपडेट्स। मतलब इसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू सर्वर 2012, और क्या लेटेस्ट फंक्शनैलिटी ऐड हुई है। तो हम देखेंगे कि स्टोरेज क्वालिटी ऑफ सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड विथ Hyper-V इन विंडोज सर्वर 2012 R2, मेकिंग इट पॉसिबल टू प्लेस लिमिट ऑन ऑन द अमाउंट ऑफ IO दैट इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन कुड कंज्यूम। तो ये एक हमारे पास एक फीचर था विंडोज सर्वर 2012 में। तो उसमें क्या था, एक पॉसिबल लिमिट थी कि हम एक वर्चुअल मशीन को कितना IO अमाउंट दे सकते हैं और ये कितना अमाउंट कंज्यूम कर सकती है। अगर वही हम देखें सर्वर 2016 में, तो क्या चेंजेस आए हैं, विंडोज सर्वर 2016 अलाउज यू टू सेंट्रली मैनेज स्टोरेज QoS पॉलिसीज फॉर ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड इन्फोर्स दोज पॉलिसीज एट ए क्लस्टर लेवल। अगर हमारे पास बहुत सारी मशीन है, तो हम उन वर्चुअल मशीन को एक ग्रुप बना सकते हैं और सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं। अब इस सर्वर 2016 में कुछ पॉलिसी बना के उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं एट ए क्लस्टर लेवल। तो ये फंक्शनैलिटी सर्वर 2016 में नहीं थी, तो ये देखेंगे हम लाइव, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड कुड कम इन टू प्ले इन द केस वेयर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स मेक अप अ सर्विस एंड शुड बी मैनेज टुगेदर। और बहुत ही हेल्पफुल है, अगर हमारे पास बहुत सारी वर्चुअल मशीन है और हमें उनको एक साथ मैनेज करना है, तो ये काफ़ी सपोर्टिव है उस कंडीशन में। बट ये फंक्शनैलिटी सर्वर 2012 में नहीं थी R2 में। और देखते हैं कि अब इसमें जो है हम इसको कमांड जो हमारा रहेगा पावर सेल कमांड है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं और क्या चीज़ें इसको सपोर्ट करती है, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फीचर ऐड हुए हैं पावर सेल में भी QoS के लिए, स्टोरेज QoS के लिए। तो पहले देखते हैं, अगर हमारे पास एक कमांड हम रन करते हैं पावर सेल में, गेट दिस डैश स्टोरेज QoS फ्लो, तो इससे क्या मिलेगा हमें, विच प्रोवाइड अ नंबर ऑफ ऑप्शन टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस रिलेटेड टू स्टोरेज QoS। तो अगर हम ये कमांड रन करते हैं गेट स्टोरेज QoS फ्लो पावर सेल में, तो हमें मिलेगा कि हमारे पास ऑप्शन टू मॉनिटर द परफॉर्मेंसेस, हमारी जो अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है रिलेटेड टू स्टोरेज QoS, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास एक और नेक्स्ट कमांड है, गेट स्टोरेज QoS पॉलिसीज। अगर हम ये कमांड
कमांड अगर रन करते हैं इसमें पावर सेल में, तो इसमें हमें क्या होगा कि करंट पॉलिसीज़ क्या हैं वो हमें मिल जाएंगी। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट कमांड है न्यू स्टोरेज QoS पॉलिसी विच क्रिएट्स अ न्यू पॉलिसी। तो अगर हमें न्यू पॉलिसी क्रिएट करनी है कुछ वर्चुअल ग्रुप के लिए और इसे इन्फोर्स करना है और क्या कहते हैं अप्लाई करना है, तो हम पावर सेल में ये कमांड रन करेंगे और एक नई पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। तो हम लाइव देखेंगे कैसे कॉन्फिगर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम अभी के लिए नेक्स्ट मूव करेंगे हमारा जो पावर सेल है, इस पावर सेल में क्या अपडेट्स हुए हैं इस कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन ऑफ पावर सेल और सर्वर 2012 R2O और सर्वर 2012। तो देखेंगे कि इसमें कुछ ऐड हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें DNS के लिए 21 DNS रिलेटेड कमांड जो है 21 कमांड वो ऐड हुई हैं नई कमांड। और उसी तरीके से अगर देखें तो 11 विंडोज़ डिफेंडर के लिए कमांड ऐड हुई है। और उसी तरीके से फिर देखते हैं हम 36 इसमें हाइपर वी के लिए कमांड आई हुई है। वैसे ही और देखें तो 17 फॉर IIS एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नई कमांड आई है। वो सारी कमांड देखेंगे एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 141 141 कमांड भी आई हुई है नेटवर्क कंट्रोलर के लिए। तो ये मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल फीचर्स ऐड हुए हैं इसमें। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन और क्या डिफरेंस है सर्वर 2012 R2 एज कम्पेयर टू सर्वर 2016 में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे कि दोनों सर्वर में क्या डिफरेंस है और जो फीचर आए हैं उनमें क्या फंक्शनैलिटी है और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।